इतनी बड़ी करियर के अंदर उस वक्त के लेकर जो किरदार है उसमें से तीन या चार किरदार ही ऐसे होंगे जिसके बारे में मुझे याद है या मुझे करने में थोड़ा जूझना पड़ा, बाकी तो रन ऑफ द मिल जैसा था। वो कुछ सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए कर दो उसको, क्योंकि क्योंकि हमारे बॉलीवुड वालों की यूनिटी नहीं है। केरा फेरी 3 बन रही है, आवारा पागल दीवाना बन रही है, वेलकम 3 बन रही है, सब बन रही है। Hi everyone, this is Avinash Lohana and you're watching Pink Villa. Today I'm in conversation with one of the greatest actors of Indian cinema, Mr. Paresh Rawal. Sir, welcome to Pink Villa. Thank you so much. Sir, शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे हैं, क्योंकि आप मिलते बहुत कम है तो ये पूछने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ अगर मेरे पर बोलने के लिए कुछ बात है, कहने को बात है तो मैं मिलूँ, तो मीडिया को भी मेरा फ़ायदा उठाने में मज़ा है। लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, बार बार मिलता हूँ तो मीडिया भी बोर हो जाती है कि भैया इसके बाद कहने को कुछ है नहीं और बार बार आ जाते हैं, तो मेरा फंडा ये है। नहीं नहीं सर, आप जितनी बार आएंगे हम उतनी बार बहुत चाव से आएंगे इंटरव्यू करने। थैंक यू सर। ड्रीम गर्ल 2 आ रही है और उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, पर उसके पहले मुझे सर आपसे पूछना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यू स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनल प्लेज इन द 70s, यू स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स इन द 80s, आई थिंक होली 84-85। सर, बीन सो मेनी ईयर्स नाउ, 40-50 ईयर्स ऑफ योर जर्नी, जब आज आप इतनी लंबी जर्नी देखते हैं, आपने सोचा था इतनी लंबी जर्नी होगी? नहीं, मैं फिल्मों को लेकर तो मेरा कोई प्लान नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, थिएटर को लेकर था कि मैं मरते दम तक थिएटर तो करता ही रहूँगा, तो उस बात को लेकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। फिल्म को लेकर भी आश्चर्य इसलिए नहीं कि मुझे पता है टैलेंट है और टैलेंट से काम तो मिल ही जाएगा, और फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि अब जो टाइम चेंज हुआ है लास्ट 15-20 सालों में, जो नई नई टैलेंट आई है, नए राइटर आए, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, काम करने का तरीका चेंज हुआ है, फाइनेंस का एथिक्स चेंज हुआ है, तो ये सारी बातें फिल्म के लिए विन विन सिचुएशन साबित हुई है। इसलिए सबकी फिल्म की जो करियर है उसको थोड़ी और लंबी लीज मिल गई है। सर, नहीं जैसे आपने कहा उस टाइम पे आई थिंक स्क्रिप्ट्स भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो कैसे मैनेज होता था सर सेट पे? वो स्क्रिप्ट वो ऐसे ही मैनेज होता था जैसे वो बिना स्क्रिप्ट के मैनेज करते थे। हम लोग भी बिना स्क्रिप्ट के मैनेज कर लेते थे, और कोई ऐसे किरदार में ऐसे कोई वो इतनी बड़ी करियर के अंदर उस वक्त के लेकर जो किरदार है उसमें से तीन या चार किरदार ही ऐसे होंगे जिसके बारे में मुझे याद है या मुझे करने में थोड़ा जूझना पड़ा, बाकी तो रन ऑफ द मिल जैसा था। कुछ उसी किस्म के रोल आते थे, लेकिन मैं फिर भी उन ऐसी फिल्मों का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन फिल्मों से जो मुझे पैसा आता था उससे मुझे अच्छी फिल्में करने, जिसमें पैसे नहीं मिलते थे वो करने का मुझे मौका मिलता था, जैसे सर, सरदार, या तो मैं उन फिल्मों का इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे घर चलाने की मेरा किचन चलाने के लिए पैसे दिए और तो मैं ये फिल्म कर सका। सर, लेकिन दुख होता था इतना अच्छा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके फिल्म में आना और फिर वो रोल्स ना मिले जो शायद जो आप डिजर्व करते थे उस टाइम पे। मैंने कहीं पे अच्छा पढ़ा था, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू टेक। वाह, तो ये यार आप मेरी बात छोड़िए, कितने ऐसे कलाकार हैं, कितने ऐसे महान कलाकार लाइक दिलीप साहब है, अमित जी है, बलराज सहनी साहब है, सबको हर किस्म को नहीं मिला, उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि उनकी टैलेंट देखिए, उनका तजुर्बा देखिए, उनकी रीडिंग वगैरह देखिए, तो सबको तो सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसका यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या नवीन भाई थक्कर को बहुत चाव से याद करते हैं आप आज? बहुत। वो तो घर के बगल में थिएटर था, मैंने ओपन एयर ग्राउंड था, वहाँ पे ड्रामा होते रहते थे, आगे चल के वहाँ पे थिएटर बना, तो हमारी थिएटर की ट्रेनिंग कही है या ड्रामा देखने का वो अनुभव कही है वो सब वहाँ पे हुआ। तो एक होता है ना कि अगर आप क्रिकेटर और आपको ग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए, वैसे वो नवीन भाई ठक्कर ऐसे कहे तो कोहिनूर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, क्लिक निक्सन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, डिम्पल कपड़िया जी के चाचा भी थे वो। अच्छा, या नवीन भाई कपड़िया बिग नेम, या तो उन्होंने ही टुक मी अंडर हिज विंग एंड क्या करना है तुझे, कैसे करना है, एंड इन वेरी अर्ली ऑफ माई एज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनका तो जिंदगी लाइक माई जैसे कहिए कि पिताजी के बराबर थे वो।
तो उसके वहाँ से मुझे बहुत थिएटर की ट्रेनिंग भी मिली उनके वहाँ थिएटर में। तो मेरा काशी मथुरा कहिए वो नहीं बैठक कर रहे। सर आपने इतने सारे किरदार किए हैं तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता होगा कि इसका सीक्वल कब बन रहा है, उसका सीक्वल कब बन रहा है। ड्रीम गर्ल 2 खुद एक सीक्वल है, क्या था इस फिल्म के बारे में जो इसने आपको अट्रैक्ट किया? मुझे नॉवेल्टी अच्छी लगी थी सब्जेक्ट की, राइटिंग बहुत अच्छी लगी थी, एंड मुझे आयुष्मान का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था जिस तरह उन्होंने प्ले किया था। नहीं तो नॉर्मली हमने देखा है काफ़ी कैरिकेचरिश कर देते हैं, काफ़ी बेहुदा बना देते हैं। उन्होंने नज़ाकत भी रखी, सबसे अच्छी बात है उनकी आंखों में भी लज्जा दिखती थी, सिर्फ नखरे में नहीं आंखों में भी एक लज्जा दिखती थी, तो वो मुझे किरदार बड़ा अच्छा लगा। एंड मोर ओवर एज आई सेड अर्लियर कि मेरे लिए डेब्यू फिल्म है, कि मैंने एकता जी के साथ कभी काम नहीं किया था, वो मुझे करना था, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में, और आयुष्मान के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, ये पहली बार कर रहा हूँ। एंड राज शांडिल्य ऑल्सो वर्किंग विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए सुनहरा मौका था जी। सर आपने कहीं एक बार ये भी कहा है कि यू फील सीक्वल्स आर आल्सो एनकैशिंग द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज वर्क्ड रियली वेल। शायद ये भी कारण था कि आपने ओएमजी 2 नहीं एक्ट की। आपको लगता है सर एक्चुअली कि एनकैश होता है, या शायद ऐसा हो रहा है कि क्योंकि लोग एक कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर को देखने वापस जरूर आएंगे, नॉवेल्टी वहाँ पे भी है? मैं ये यार्डस्टिक ड्रीम गर्ल के लिए इसके लिए यूज नहीं करूँगा क्योंकि मैं इतना इसके अंदर गुस्सा हूँ कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी चली गई है। बट मुझे बहुत अच्छा लगे इसकी सिक्वल हुई है वो, क्योंकि बहुत मीठा कैरेक्टर है जी, बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया गया है, और ये फैमिली एंटरटेनर बनी है। एक अरसे से कुछ फैमिली एंटरटेनर आई नहीं और कॉमेडी नहीं आई है, तो ये फैमिली एंटरटेनर, क्लीन फैमिली एंटरटेनर है, तो आई थिंक फिल्म यूजुअली सक्सेसफुल होगी जी। नहीं सर बस बहुत है, जेन्युइनली मूवी के अराउंड बस काफी है, और अभी थैंकफुली काफी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चल भी रही है, तो लोग बोलना शुरू कर दिए बॉलीवुड इज बैक, इसके अंदर एक कॉमेडी आई है। जी जी सर, क्यों ऐसा होता है कई बार कि बॉलीवुड को ऐसा रन डाउन कर दिया जाता है कि अगर 4-5 पिक्चरें नहीं चली तो बॉलीवुड तो नहीं है? भाई इजी टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है, इसके लिए कर दो उसको, क्योंकि हमारे बॉलीवुड वालों की यूनिटी नहीं है। अगर बॉलीवुड वालों की यूनिटी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी, कोई आपके थिएटर पे पत्थर भी नहीं मार सकता जी, कोई गुंडागर्दी भी नहीं कर सकता, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए। जैसे साउथ में, साउथ में आप किसी के खिलाफ बोल के बताओ किसी की हिम्मत नहीं होगी जी, तो जो साउथ में है वो इधर नहीं है जी। क्या कर सकते हैं सर इसको थोड़ा सा लाने के लिए, इतने साल हो गए, 100 साल हो गया हमारे सिनेमा को। पता नहीं है रीजनल सिनेमा में जो 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 रीजनल सिनेमा में जो माइंडसेट होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आता, आई डोंट नो। सर आपको डायरेक्ट करना चाहते हो जोन में, या तो हिंदी में या गुजराती में? नहीं अभी तो डायरेक्ट करना आसान हो गया है ना। ऐसा क्यों सर? अभी तो एडिटर बनना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मैं इधर से भी ले लूँ इधर से भी ले लूँ, पूरी बोरी जाके मैं एडिटिंग के टेबल पर रखूँ, बेटा इसमें से फिल्म बना के दे दे। तो डायरेक्शन मेरे को लगता है अभी आसान हो गया है, अभी हर कोई डायरेक्टर बन सकता है ऐसा मैं समझता हूँ जी। एडिटर की बैंड बचती होगी, इतना सारी बोरियां आई है उसमें से मुझे काव आउट करना है, फिल्म बनानी है, इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर एडिटर। शायद ये कारण है आप डायरेक्शन से दूर रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, इस कारण से तो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, करेक्ट, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि डायरेक्टर का काम है एक तो अच्छी सी स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट तैयार करो, बाकी ये तो टेक्निकलिटीज है। अच्छा इसके अंदर बहुत होता है, ये नहीं मैं ऐसा रन डाउन नहीं करता हूँ, डिस्कार्ड नहीं करता हूँ बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर बाद में शुरू होती है। बट ये भी आजकल डायरेक्शन को लोगों ने थोड़ा इजी बना दिया है। सर आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, देखिए महेश भट्ट होते थे, केतन मेहता, शेखर कपूर, दिवाकर बैनर्जी, फिर प्रियदर्शन जी, बहुत सारे हैं वैसे जी। या सर प्रियदर्शन मेंशन किया तो आई हैव टू आस्क यू, सो मेनी फिल्म्स आर यू डन विथ हिम, ऐसा कोई मौका है कि वापस आएंगे? मुझे पता है हेरा फेरी 3 का रूमर्स तो चल ही रहा है, प्रियंस नहीं है उसमें। वेरी लुकिंग फॉर अ सब्जेक्ट, एक अच्छा सब्जेक्ट हो जी, क्योंकि अभी टाइम भी चेंज हो गया है, तो एक अच्छा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर यार, अमेजिंग या
अमेजिंग डायरेक्टर सर, ये सवाल मुझे पता है शायद आपको इरिटेट करेगा, पर ये हेरा फेरी वाला सवाल आपको बहुत पूछा जाएगा आज की हेरा फेरी 3 बन रही है, आवारा पागल दीवाना बन रही है, वेलकम 3 बन रही है, सर बन रही है, क्यों इरिटेट करेगा? नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा, ये फिल्में बननी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल अच्छे से बननी चाहिए, मजे से बननी चाहिए, तगड़ी बननी चाहिए। वेलकम टू जंगल आई थिंक शुरू हो रही है अभी अक्टूबर से, फिर उसके बाद हेरा फेरी शुरू होगी सम टाइम इन नेक्स्ट ईयर, आवारा पागल दीवाना भी है। सर आप देखते रहते हैं ऑनलाइन, जब बाबू राव और सबके इतने सारे ऑनलाइन कंटेंट बनते रहते हैं, मीम्स बनते रहते हैं, मतलब वो कैरेक्टर शायद सोशल मीडिया पे रोज जिंदा है। आर यू एक्साइटेड टू रिविजिट इट अगेन इन हेरा फेरी 3? बाबू राव का कैरेक्टर, यस ऑफ कोर्स आई एम, बट मैं साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ अलग करने को मिले उसमें। जैसे कि सर बैकड्रॉप उसका अलग हो और कुछ नई कहानी हो, तो उसके रिस्पॉन्सेज भी अलग होंगे, उसका अप्रोच भी अलग होगा। करेक्ट, वो मैं एज एन एक्टर मैं समझता हूँ, वरना ठीक है कर लेंगे वो तो अलग बात है। सर OMG 3 तो करिए आप प्लीज। हाँ तो करूँगा या, या। होगा वो? हाँ 100% होगा वो, अमेजिंग या। Oh, I can't wait to see that, sir. Sir, one last question. I know you are very passionate about this. Kal Chandrayaan 3 land ho raha hai moon pe. Yeah. Sir, how excited are you for this? Arey, very excited. As an Indian, feel very, very proud. Yeah. जो लोग हमारे देश को बोलते थे कि ये बाबाओं का देश है, सपेरों का देश है, वो देश आज चांद पे जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। जी। बहुत गर्व की बात है ये। Lovely. But sir, I can't wait to see Dreamgirl 2. And मेरी बातों से समझ आ गया होगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, तो आप जो भी करना है फ्यूचर में, I can't wait to see all of it. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.